नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, हमारा इससे पहले नाम था टेलिंग ट्यूबर, जो हमने नाम चेंज करके टिप्स एंड ट्रिक्स कर चुके। अभी ये यहाँ पे हम हर तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे जो कि 100% वर्केबल है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपके पास दो ड्राइव है या तीन ड्राइव है और आप दूसरा ड्राइव और एक क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए और आप उसमें से कुछ आप पार्टीशन करेंगे। इसमें कोई सॉफ्टवेयर का जरूर नहीं है, ना ही फाइल लॉसेस होने का डर है। हमें ये कैसे प्रोसीजर किया जाता है आज हम देख लेते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आप मैं आ चुका हूँ अपना डेस्कटॉप पे। डिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम स्टोरेज पे जाएंगे। आप देख सकते हैं स्टोरेज के नीचे है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में सी ड्राइव डी ड्राइव है। हम आपको ड्राइव खोल के दिखा देते हैं। सी ड्राइव डी ड्राइव और ये डीवीडी ड्राइव है। इसमें से हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे सी ड्राइव जो मेरा विंडोज है उसमें से हम कर नहीं सकते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं डी ड्राइव को राइट क्लिक करते हुए करूँगा और ये 500 MB का जो है वो सिस्टम रिजर्व के लिए है। अब राइट क्लिक करना है डी ड्राइव के ऊपर। जिस ड्राइव के ऊपर आपको करना है श्रिंक वॉल्यूम पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने मेरा स्पेस है वो उसको दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे 100 GB करना है, इसलिए ये हर टाइम MB पे काउंट करता है। तो हम इसको MB में कन्वर्ट करते हुए करेंगे और श्रिंक पे क्लिक करेंगे। श्रिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा और एक ड्राइव खुलेगा जो अनलोकेटेड है, नाम ही नहीं हुआ है। उसको राइट क्लिक करते हुए न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 1 MB के आसपास कट जाएगा क्योंकि अपना ले लेता मेमोरी के लिए। नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। फॉर्मेट में हम NTFS फाइल रहेगा, डिफॉल्ट में रहेगा, न्यू वॉल्यूम लेवल रहेगा। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद और एक नया ड्राइव क्रिएट होगा और ये ड्राइव बन चुका है अभी F ड्राइव। हम अभी डिस पीसी में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं F ड्राइव करके मेरा ड्राइव खुल चुका है और ये अभी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई फाइल का रिमूव होने का, डिलीट होने का कोई तरह का डर नहीं लगता है। और इसको आप इस तरह का ही नया ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।